बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दौसा से जयपुर के टूर के बारे में। तो चलिए आपको वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम दौसा के गांधी चौराहे से अपनी जर्नी शुरू करने वाले हैं। वैसे दौसा से जयपुर जाने के लिए आपको काफ़ी रोडवेज बस वगैरह प्राइवेट बस मिल जाती है, या जो छोटी कार होती है वो भी चलती है काफ़ी। वहाँ आपको आराम से 50 से 60 रुपये में दौसा छोड़ देती है। तो आइए चलने को एंजॉय करते हैं। दोस्तों, ये गांधी चौराहे से जस्ट थोड़ा सा आ गई दौसा का रेलवे स्टेशन है, दौसा रेलवे स्टेशन। और दौसा रेलवे स्टेशन से दिल्ली की ओर और जयपुर, जोधपुर, बीकानेर की ओर जा सकते हैं। यहाँ से ट्रेनें मिल जाती है, काफ़ी ट्रेनें मिल जाती हैं आपको जयपुर की ओर जाने के लिए और दिल्ली की ओर जाने के लिए। दोस्तों, ऑलमोस्ट हम जो मेन दौसा शहर है उससे हम पार कर चुके हैं। अब हम जो दौसा में जयपुर आगरा हाईवे है, फोर लेन हाईवे, उस पर चलने वाले हैं जयपुर की ओर के लिए राइट साइड टर्न लेने पर। दोस्तों, हमने सामने फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये फोर लाइन हाईवे है जो कि लालसोट के लिए दौसा लालसोट होते हुए टोंक हाईवे पे मिल जाता है चाकसू होते हुए, या फिर वो वापस जयपुर में आ जाता है जो कि सांगनेर की तरफ से जोरजोई रास्ता हाईवे है, ये ट्रांसपोर्ट नगर में जाके मिलता है। दोस्तों, इस वक्त हम बस से पहुंच चुके हैं। दोस्तों, जो ट्रक मिल रहा है सामने से, ये रास्ता बस से होते हुए लालसोट और गंगापुर सिटी की ओर जाता है जो कि ग्रामीण इलाकों में होते हुए जाता है। तो आप यहाँ से चाहो तो
गंगा पुष्टि के लिए लाल सुडी निकल सकते हैं हाईवे से दोनों ही साइड से, जयपुर या दौसा की ओर से काफ़ी बसें भी चलती है इधर जाने के लिए। आई होप दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लग रही हो। दोस्तों अब हम चुके हैं जयपुर के कानाता में, लगभग यहाँ से जयपुर शुरू ही हो जाता है जो जयपुर की सिटी है। कानाता वैसे तो एक ग्रामीण इलाका है, पंचायती क्षेत्र है, लेकिन लगभग एक कस्बे सिटी की तरह ही डेवलप हो रहा है कानाता। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं, सामने पहाड़ दिख रहा है वो, उस पर राजस्थान की जो उस सड़क की है काफ़ी लंबी वाली सुरंग है, लगभग 1 किलोमीटर से अधिक की जो सुरंग है, उस प्रसिद्ध सुरंग की ओर पहुंच चुके हैं टनल की ओर जयपुर की। चलते हैं, आपको वो टनल के अंदर का व्यू है वो काफ़ी अच्छा लगता है दिन में भी और रात में भी आपको दिखाते हैं। और सामने जो पहाड़ के नज़ारे वो तो काफ़ी सुंदर लग ही रहे हैं। Thank you.
दोस्तों हम पहुंच चुके हैं जयपुर सिटी में, मेन सिटी में। यहाँ से जयपुर की मेन सिटी स्टार्ट हो जाती है, जयपुर का शहरी क्षेत्र। दोस्तों रास्ते देख रहे हैं, यहाँ पे टोंक हाईवे की ओर भी गया हुआ है, टोंक अजमेर हाईवे जयपुर से। ये है दोस्तों जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर का व्यू। दोस्तों आपको जयपुर से कहीं भी जाना हो, चाहे दिल्ली, आगरा, हरियाणा की ओर, या भरतपुर, अलवर, या फिर गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, कोटा, तो आपको सारी बसें जो ट्रांसपोर्ट नगर से आसानी से मिल जाती है। वैसे सिंधी के चलती, लेकिन ट्रांसपोर्ट बसें, आज मेरी एग्ज़ाम है इसलिए मुझे पड़ा हुआ था। तो अभी हम ट्रांसपोर्ट नगर से कुकस की ओर जा रहे हैं, एक मिनी टेम्पो में, जिसे ई रिक्शा बोलते हैं। देखिए आप मेरे साथ खूबसूरत नज़ारों का एंजॉय कीजिए जयपुर के। दोस्तों आप जो ये रास्ता देख रहे हैं, ये आमेर किला हवा महल की ओर गया हुआ है, जो कि जयपुर ही नहीं राजस्थान बल्कि पूरे विश्व में फेमस है, आमेर का किला और जयपुर का हवा महल। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं हमारी फाइनल डेस्टिनी आ रही है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज। ये जो दोस्तों आ रही है का मेन कैंपस है, एंड जस्ट इसके जो सामने है वो आ रही है का सेकंड कैंपस, यानी आ रही है फर्स्ट ऑल्ड कैंपस SP 42 और SP 40 सामने है, जो कि आपको पहले दिखाया।